Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notifications. Don't forget to hit the like button. इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस जिससे हम कॉपर को प्रोड्यूस करेंगे। तो सवाल उठता है कि पहले हमने स्मेल्टिंग दिया है, याद कीजिए कॉपर पायरेट के केस में कंसंट्रेशन, फ्लोथ्रोडेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बेसमराइजेशन और रिफाइनिंग के बाद हमने कॉपर प्रोड्यूस किया, तो कब हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और कब हम हाइड्रोमेटलर्जी को फॉलो करते हैं? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। तो हम देखते हैं कि यदि ओर के अंदर 3% से ज्यादा कॉपर है तो हम स्मेल्टिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं जो मैंने पहले वीडियो में बताया है। यदि किसी ओर के अंदर कॉपर का कंटेंट बहुत ही कम है, मतलब 3% से भी बहुत बहुत कम है, तो वैसी स्थिति हम यूज करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। तो पहला बिल्कुल क्लियर है कि यदि 3% या उससे ज्यादा है तो स्मेल्टिंग प्रोसेस जिसमें हमने ब्लास्ट फर्नेस या बेस वर्क कन्वर्टर वो सब यूज किया है यूज करेंगे। और यदि परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ा सा है, तो वैसे कंडीशन में हम हाइड्रोमेटलर्जी यूज करते हैं। तो हाइड्रोमेटलर्जी में होता क्या है, एक बड़ा सा टैंक होता है और उसके अंदर हम जो है, जैसे मान लीजिए हमने लिया कॉपर ग्लांस CO2S, इस CO2S कॉपर ग्लांस को हम टैंक के अंदर डाल दिए, बड़ा बड़ा टैंक होता है, उस टैंक के अंदर हमने इस डाल दिया। अब ये जो CO2S है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और फिर उसमें हम क्या करते हैं, वाटर का स्प्रे कर देते हैं। तो CO2S हमने लिया, मॉइस्ट कर दिया, मतलब एयर रेन जैसा हमने स्प्रे कर दिया, बिल्कुल जैसे रेन में, रेनी सीजन में यदि कोई चीज भीग जाए तो वैसी हमारा जो ओर है CO2S का, उसके ऊपर हमने वाटर स्प्रिंकल करके रख दिया। अब जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का है वो रिएक्ट करेगा CO2S से और यहां पे बनेगा CuSO4, लेकिन ये तुरंत नहीं बनता है, ये सालों भर जो है इसके अंदर स्क्रैप हम डालते रहते हैं और वो डालते रहते हैं, प्रोसेस चलते रहता है। तो इस बड़े टैंक में यदि हमने CO2S लिया, मॉइस्ट कर दिया, तो एटमॉस्फेरिक एयर से CuSO4 कन्वर्शन से कम एक साल लगेंगे। तो यदि मान लिया हम एक साल तक इस टैंक को छोड़ दिए, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे उस टैंक से जो है CuSO4 का सोल्यूशन जो है हमें मिलेगा। अब सोल्यूशन क्यों मिला, CO2S इज कन्वर्टेड इन टू CuSO4 और ये जो CuSO4 बना तो ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया। उस टैंक से, टैंक के बॉटम से धीरे धीरे जो केमिकल आते रहेगा वो होगा कॉपर सल्फेट। उस टैंक से जो केमिकल आया, जो लीकर आया, जो केमिकल आया उसको हम कहेंगे लीकर, ये जो लीकर आया उसको बड़े बड़े ब्लॉक्स में हम उसको डाल देंगे, ब्लॉक्स कास्ट उसमें डाल देंगे और उसके अंदर स्क्रैप आयरन डालेंगे। अब देखिए आयरन जो है वो तो मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो वहां पे CuSO4 से कॉपर को रिप्लेस करेगा आयरन और हमें मिल जाएगा कॉपर। तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट टेक्निक भी हो गया। तो आपको मालूम है कि हाइड्रोमेटलर्जी में तो मेटल डिस्प्लेसमेंट टेक्निक हम यूज करते हैं, तो हाइड्रोमेटलर्जी इसलिए कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट बनाया हमने, और मेटल डिस्प्लेसमेंट टेक्निक हो गया क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर से निकाल दिया, बोले मैं मोर रिएक्टिव हूं, मैं यहां आऊंगा, देन इट हैज प्रोड्यूस्ड FeSO4 प्लस CO। अब एक बार CO आपको मिल गया तो आप उसके रिफाइनिंग कीजिए, आपको प्योर जो है कॉपर मिल जाएगा। तो कुछ तो मेल्टिंग से हम इंप्यूरिटीज को निकाल देंगे, जो वोलाटाइल होगा निकल जाएगा, और कुछ जो है हम जाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इस तरह से हमें कॉपर हाइड्रोमेटलर्जी से मिल जाता है। तो चलिए अब इसी पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं इस वीडियो में। तो यहां पे कंडीशन हम डालेंगे कि इफ कॉपर परसेंटेज इज मोर देन 3%, हम कौन सा यूज करते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड। अब स्मेल्टिंग प्रोसेस कौन सा, पता स्मेल्टिंग प्रोसेस का आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि जिसके अंदर हमने लिया है स्मेल्टिंग, बेसमराइजेशन, याद कीजिए यहां पे स्मेल्टिंग, बेसमराइजेशन, ये सब हमने जो यूज किया था वो हो गया जब 3% से ज्यादा है, ठीक है। और एग्जाम्पल वहां हमने क्या लिया था,
CuFeS2 कॉपर पाइराइट। इस हाइड्रोमेटलर्जी के पहले यह जानना जरूरी है कि यहां पे तो हमने CuFeS2 लिया इस मेल्टिंग प्रोसेस में, तो यहां के लिए क्या कंडीशन है। अब देखें हम लोग कंडीशन, इफ परसेंटेज ऑफ कॉपर इज वेरी वेरी लेस देन हाइड्रोमेटलर्जी इज यूज। तो ये देखिए हमने यहां पे हाइड्रोमेटलर्जी इज यूज लिख दिया। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होगा, यहां पे ये जो CO2S है ये देखिए ये है कॉपर ग्लांस। अब यहां पे ये जो कॉपर ग्लांस है उसके अंदर जो है ढेर सारे इंप्यूरिटीज हैं और इतना इंप्यूरिटी के परसेंटेज ऑफ कॉपर बहुत ही कम हो गया, तो इस CO2S को हमें ऑक्सीडाइज करना है और ऑक्सीडाइज करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें मेटल डिस्प्लेसमेंट टेक्निक करनी है। तो सबसे पहले एक ये देखिए जो मैं डायग्राम बना रहा हूं एक रे डायग्राम है टू अंडरस्टैंड, टैंक तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब देखिए इस बड़े से टैंक के अंदर हमने जो यहां पे ओर डाल दिया है और ऊपर से जो है वाटर स्प्रे कर दिया, जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये भी कंबाइन होगा इससे और ये जो CO2S है इट विल गेट ऑक्सीडाइज टू कॉपर सल्फेट। लेकिन ये जो पूरा अरेंजमेंट दिख रहा है ये कम से कम एक साल लगेगा और जब एक साल लगेगा तब यहां से जो है ये पाइप से यहां से कॉपर सल्फेट निकलना शुरू होगा। देखिए फिर से हमारे पास जो ओर है वो CO2S है, इस टैंक पे हमने ओर डाल दिया, इसके बाद ऊपर से वाटर को स्प्रे कर दिए और एटमॉस्फेरिक एयर तो करीब जो है ये वन ईयर लगा, इतना टाइम पीरियड, मतलब ये क्विक नहीं है कि आज डाले और कल जो है कॉपर हमें मिल गया, ये लॉन्ग प्रोसेस है। इसका मतलब इस टैंक में हम CO2S डालते रहेंगे और एक साल के बाद करीब एक साल के बाद यहां से जो केमिकल आ रहा है ये केमिकली जो है CuSO4 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास CO2S है, ये O2 फ्रॉम एयर, ये देखिए फ्रॉम एयर जब ये रिएक्ट करेगा तो यहां से बनता है CuSO4 प्लस CO। अभी देखिए दो कार्बन कॉपर हो गया तो एक और एक दो हो गया, सल्फर एक बैलेंस है, अब ऑक्सीजन जो चार और एक पांच है तो ये हो जाएगा कितना 2.5। लेकिन अब प्रैक्टिस 2.5 लिखने का तो नहीं है तो पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे देखिए ये 2 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स तो 4 है, ये 2 2 4। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 8 10 है तो अब हम इसको 5O2 लिख सकते हैं। तो ये 1 ईयर टाइम लगा और यहां से जो अब केमिकल आ रहा है देखिए ये छोटे छोटे कास्ट हैं जिसके अंदर जो है हमने इसके सॉल्यूशन को रख दिया तो ये कॉपर सल्फेट बन गया। अब ये जो आयरन स्क्रैप है ऊपर से हम आयरन स्क्रैप इस टैंक में ऐसा स्प्रिंकल कर देंगे तो यहां पे कॉपर सल्फेट और CO जो भी है तो ये आ गया टैंक के अंदर और हमने यहां पे ऐड किया है Fe। अब देखिए रिएक्टिविटी ऑफ आयरन वो जो है कॉपर से ज्यादा है तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन कॉपर। अब जब ये कंडीशन है तो ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो यहां पे ये FeSO4 बन जाएगा तो यहां पे बना हमारा FeSO4 और प्लस ये कॉपर आ गया। तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के फॉर्म में था स्क्रैप आयरन डालने के बाद हमें FeSO4 और ये CO मिल गया। अब ये CO तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये तो जो है पार्टिकल्स के रूप में होगा, फिर हम इस कॉपर को मेल्ट कर देंगे तो बहुत सी इंप्यूरिटीज निकल जाएंगी, हीटिंग जो वोलेटाइल होंगे, इसके बाद हम जाएंगे रिफाइनिंग पे और इस तरह से हम कॉपर प्रोड्यूस करते हैं। तो बिल्कुल थोड़े से टाइम में एक बार मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं, यदि कॉपर का परसेंटेज 3 से ज्यादा है जैसे कि CuFeS2 का होता है तो हम स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं जहां पे स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस बेस्मराइजेशन वो सब है। लेकिन जब परसेंटेज ऑफ कार्बन यदि बहुत ही कम है तो हम यूज करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी, एक टैंक के अंदर वाटर स्प्रे कर देते हैं, इस एयर से जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है ये स्लोली नियरली 1 ईयर तक रिएक्शन धीरे 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 होगा और यहां नीचे टैंक से हम केमिकल जो लेंगे वो CuS के ऑक्सीडेशन से CuSO4 मिला।
जो CuSO4 है उसमें आप स्क्रैप ऑफ आयरन डालेंगे और ये मेटल डिस्प्लेसमेंट टेक्निक हो गया है, तो ये FeSO4 प्लस CuO बनाया है। तो इस तरह से जो कॉपर मिला उसको मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद रिफाइन करके आपको प्योर कॉपर मिल जाएगा। तो ये था हमारा हाइड्रोमेटलर्जी। प्लीज नोट ऑन दिस वन।